सुपर टैग बिल्डर के मालिक आर के अरोड़ा को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां सुपर टैग के बिल्डर आर के अरोड़ा के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल आर के अरोड़ा जेल में है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान वहां होम बायर्स हैं, जिन्होंने सुपर टैग बिल्डर के अलग अलग प्रोजेक्टों में अपना घर लिया हुआ है। दिल्ली NCR की सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा में रहने वाले तमाम निवासी इसी बात को लेकर परेशान है कि बिल्डर फिलहाल जेल में है। अब उनके तमाम जो मुद्दे और उनकी समस्याएं का हल कैसे निकालेंगे? सुपर टैग बिल्डर द्वारा दिल्ली NCR में सबसे ऊंची इमारत सुपरनोवा बनाई गई है। यहां पर तमाम लोगों को घर भी मुहैया कराया गया, लेकिन अभी तक लोगों की तमाम मूलभूत सुविधाएं और फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर परेशान है। हाल ही में ईडी द्वारा सुपर टैग बिल्डर के मालिक आर के अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अराउंड 588 के करीब घर हैं, टोटल यूनिट्स हैं, और इसमें जो है पोजीशन दिया 465 से ऊपर दिया हुआ है, तो 465 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है जो इन्होंने पोजीशन दिए हुए, तो इसमें 30-40 लोगों की या 50 मैक्सिमम 50 लोगों की हुई है बस, और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हम सब लोगों के क्लेम खड़े हो जाते हैं, सरकार के भी क्लेम हैं, जो मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ने को आया 2500 करोड़ 5000 करोड़, इस तरह के क्लेम हैं। लेकिन हम जो इनोसेंट फ्लैट बायर हैं, हमारा प्रीशियस हमारा जो मनी है हमने IFMS में दिया हुआ है, जिससे कि हमने सोसाइटी चलानी है, क्योंकि अब तो ये तो जो इनकी हालत है कि ये आई डोंट नो कितने हद तक ये चलाएंगे, सोसाइटी तो हमें चलानी है, हम तो रजिस्टर्ड अब AO हैं यहाँ पे, अब हम बिना IFMS के कैसे चलाएंगे? तो हमें सरकार से ये विनती है कि कुछ करके जो भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें यहाँ से अरोड़ा से या सुपर टैग से हमें IFMS दिलवाने में हमारी मदद करें, क्योंकि इसके बिना हमें चलाना ये मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले बहुत दुख झेल लिए हैं इनके, अब ये और दुख हमसे ना झेलवाएं, क्योंकि ये जैसे ये ईडी की रेड पड़ी है, अब ये तो बिल्कुल मुंह दिखाना भी बंद कर देंगे हमें। जब मुंह दिखाना बंद करें, हमें जब चलाना होगा, हमें इस पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है, तो हम वी विल बी इन अ बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दिस IFMS। रजिस्ट्री ऑलरेडी रजिस्ट्री नहीं है, मतलब एक किस्म से पूरा पैसा देने के बाद भी हम इसके ओनर नहीं है, तो वो तो पंकज जी ने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर हो सकता है इसके अंदर नेक्सस है कि भाई ये जानबूझ के रजिस्ट्री नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इनको कमाई हो रही है वहां से। नरेश कुमार नंदवानी, आई एम द जनरल सेक्रेटरी फॉर सुपरनोवा अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन।